हम लोगों की मजबूरी है कि हम जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा छोड़ दो सामने देख के बात करें जमना लीव का भी बोलना जी कैमरे छोड़ के कैमरा छोड़ दें इधर सामने देख के बात खाला सुन ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाला इधर इधर देख के बात कीजिए कैमरा छोड़ दीजिए यहाँ सामने देखिएगा इस तरह कैमरा भी देखिएगा जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं जैसे कि अभी शरीफ ज़ादा ने हमें बयान किया आपको सबके सामने ये सब वही हमारे मसले हैं वही हमारे मसाइल चल रहे हैं 2005 से लेकर अब तक ये मसले खड़े हैं और जिस स्टेज पर हम लोग आए हैं और उसी स्टेज पर खड़े हैं कोई भी मसला हमारा हल नहीं हुआ 2005 से जितने भी मुतालबात हमने पेश किए वो लेटर बाकायदा मांगते हैं इनकार भी नहीं करते और इकरार भी नहीं करते बाकायदगी से उनके पास लेटर जाता है वो क्या करते हैं लेटर को हमेशा अपने पास रख लेते हैं और वही काम करते हैं जो उनके लिए आसानी होती है यानी अपना घूमना फिरना याशियाँ करना उनके लिए एक शेड्यूल के मुताबिक चली आ रही है और हमारे गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए कोई किसी किस्म की कोई काम नहीं किया उन्होंने एज इट इज़ वैसे ही के वैसे ही पड़ा हुआ है ना हमारी प्रमोशन है ना हमारी मेडिकल है जो जो उन्होंने कहा कि आप हमें लेटर दें हम आपके मुतालबात पेश कर रहे हैं हमने हर बार लेटर दिया हर पेपर पे उनको दिया मगर कोई मुतालबात हमारे पे उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया और ना ही कोई जवाब दिया लेटर उनके पास क्यों का तू वैसे ही के वैसे ही पड़ा होता है आगे कुछ नहीं उनके हमारे मुतालबात पूरे थे लिहाजा हमारे ये नसीर साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे इस बार इस धरने से हमारा मसले का हल नहीं करते हम कंटिन्यू जारी रखेंगे इस धरने को अगर हमारा मसला हल नहीं करते वो ये ना समझे कि हम डर गए हम डर जाएंगे या हम यूं ही हम मतलब कि मसले को पेचीदा रखेंगे छोड़ देंगे वो ये ना समझे हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा ये जारी रखेंगे जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते शुक्रिया अब राज करेगी राज करेगी और किसी को पैसा बयान करना आपने देना ये वाला पॉइंट रह गया यार जो लिख के दिया उन्होंने मुझे खुद के मेरे पास भी नहीं है ये पता नहीं कौन सा मुझे समझ नहीं आ रहा है हमारे सामने जब आते हैं वादे करते हैं वहाँ जाके मुकर जाते हैं वहाँ जाके मुकर जाते हैं यही तो किया अपने अपने का लेटर मांगते हैं इकरार भी करते हैं इनकार भी नहीं करते ऑफिशियल तो मैं ये कहूँगी कि हम इस स्टेज पर क्यों आए ये जानने की कोशिश करें कि हमने ये क्या हुआ हमारे डिपार्टमेंट के साथ हमारे कंट्री के साथ कि हम क्यों मजबूर हो गए ऐसा कि हमें ऐसा करना पड़ा तो आप इस बात पे काइंडली फोकस कर लें कम अज़ कम इतना कर लें कि आईपीओ वाले से सबसे रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जितने भी लोग हैं कि काइंडली इस बात पर फोकस करें इससे पहले भी मैंने कहा था कि वी नीड फोकस ऑन प्रॉपर ऑफिस मैनेजमेंट वी नीड फोकस ऑन प्रॉपर ऑफिस मैनेजमेंट जेंट्स में कोई है पढ़ने वाले जा 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 वो आता है आप तो कुछ मैडम मैडम मैं बोल रहा हूँ